नारद बाणी फिरो अवते गुरु जी मोहा। कहाँ लगा इस सब? इस सब नहीं लगा है आप लोग नहीं। हम बड़े विचित्र पड़ गए यात्रा में। हमने कहा अब हटाएं तो लोग बोलेंगे कि कहने से हटा रहे हैं। हमने कहा भैया अब तो आप लोग तो ऐसा ऐसा भजन बना लेते हैं। तो चार लोग एक घर आए, एक महीने में चार हफ्ता, एक महीने में चार हफ्ता होता है। शनिवार का बीएफए का कोई दिन रख लीजिए, सात दिन अपने घर रहिए, एक दिन उसके घर जाइए और गुरु जी का फोटो हो, माँ अगरबत्ती जलाइए। नहीं ताली है, नहीं ओ ढोलक हारमोनिया है तो ताली और थाली है ना। अरे भाई ना हारमोनिया बात ताली या थाली वाला थरिया थरिया उसी पर बजाइए। और अब तो बना बना कर गाते सरिया देवी। आप फिर वहीं पर चले गए, फिर आप वहीं पर चले गए। हम बोले कि हाथी चलते हैं तो कुत्ते भोंकते हैं, फिर आप बोलते हैं अगल बगल लोग बोलेंगे। आप तो स्वयं बाधा डाल रहे हैं हमें। और मैं कहूंगा कि यही विश्वास यदि हम सबके अंदर हो जाए तो मैं हम लोगों के ऊपर तो भी कृपा बरसी है मैया का। बरसा है कि नहीं बरसा है? कितनी देवियां पर सुहाग पा गई है। आईसीयू में गया हुआ व्यक्ति आ गया लौट करके, दिव्यात्माएं। इसलिए मैं कहूंगा कि अब जगत, अब जब उनकी कृपा रहेगी तो आएगा हवा और फिर चला जाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। ठीक है, धन है तो कभी उसको अधर्म में मत खर्च करिए, धर्म में खर्च करिए, धर्म की कमाने में खर्च करिए। यदि धर्म में लगेगा तो धन में बनाएगा, और यदि संसार में अधर्म में लगेगा तो जघन्य बनाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे साथ रहने वाले हमारे, जब जब मैं धर्म का आह्वान करता हूं अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग साथ रहते हैं। उनसे मैं बार बार पूछता हूं तुम गरीब हो गया का? बोलो गरीब हो गया का? और वो जाता है तो कितना लेकर ही आता है, चुंबक जैसे। ठीक है ना, और जब पाप में जाता है तो और ज्यादा खींचता है। आप ही के पास से खींचेगा, और जो धर्म में जाएगा और लेकर आएगा। हमारे पास इतने लोग हैं, सभी गवाह हैं, इनसे जाकर इनके घर पूछना, ये लोग बताएंगे कि धर्म में लगा हुआ चीज कभी बेकार नहीं जाता है। बोलिए साचे दरबारे की जय। हम कल्पाचार्य सुदर्शन जी महाराज के अनुसार जिसमें विश्व कल्याण की भावना होती है, कोई इलाहाबाद बोलता है, कोई रामेश्वरम बोलता है, कोई गंगा सागर बोलता है, कोई पश्चिम बंगाल सदगुरु तपोभूम बोलता है, लेकिन सुदर्शन जी महाराज कहते हैं कि गुरुजी जब यहाँ होगा तो हमारा वह गरीब भाई या बहन भी साथ ले लेंगे जिसके पास जितना तीर्थ आप गिनाए हैं वहां जाने के लिए किराया नहीं है। वो बेचारा जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और यहाँ तो कुछ नहीं तो 5 रुपए का पैकेट ले लेगा जी। हाँ? जी। अगर मैं क्या बोलते हैं धूप का हम उनका 9 दिन का 45 रुपया है जी। और लकड़ी तो किसी डाल से तोड़ लेगा, सूखी डाल से किसी से मांग लेगा तो भी लकड़ी नहीं लगेगी जी। मजदूरी करता हो तो 400 रुपए मजदूरी है 2 दिन है? कितना तो कुल कह गुरु जी हम अकेले हैं अपने गाँव आकर आयर विधाता। ऐसा है कि तुम्हारा कोई साथ रहने वाला नहीं है? आज तक एक शराबी से पूछो तुम्हारा कोई साथी है कि नहीं, कितना गिनाएगा? और तुम कैसे नशे वाले हो? तेरे अंदर कैसा सत्य और धर्म के प्रति भाव और प्रेम है कि तुम्हारा कोई साथी नहीं?
अरे याद रख, तेरे जो साथी मिलेंगे वही सच्चे मिलेंगे, ठीक है? दिव्यात्माएं, एक काम बताएं, अच्छा काम भगवान कराते हैं, मैये कराती हैं, सब काम वही कराते हैं, और तुझसे अच्छा काम करा रही है, इसका मतलब ना वो दुख हो इसीलिए आया, नहीं किसी के लिए ठीक हो गया होता, कहीं यही ठीक हुआ, इसीलिए ठीक हुआ कि अन्य जगह ठीक कराती तो हम पैसा लेता इसके बदले और अपना रास्ता पकड़ता ना, इसलिए मैया ठीक की कि हमारे यहां पैसा नहीं लगेगा, लेकिन तुझे मैं इस धरती पर पापी डाइन भूतइन टुनइन प्रताइन बनकर जीने नहीं दोगे, तुमको देवी और देवता बनाकर छोड़ोगे।